हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिल्लती क्लासेस। गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग? उम्मीद करूंगी आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। वेलकम वेलकम, आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे सत्संग में। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये देखिए, आज हमारी जो ये वाली इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, लगभग इसमें आज हम जो है 25+ क्वेश्चन को जो है डिस्कस करेंगे। 25 क्वेश्चन हमारे खासकर SSC एग्ज़ाम, ठीक है, एंड NTPC एग्ज़ाम के लिए, NTPC एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होने वाले हैं। बाकी सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा खास हमारी क्लास रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स आप लोगों को मैं साथ ही साथ में एक बात और बता दूँ, जितने फ्रेंड्स मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ सेशन को शेयर करना, लाइक करना, आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, बिल्कुल, तो शेयर आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, और जो लोग पहली बार आए हैं, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को बिल्कुल। चलिए, दिनेश कुमार जी वेरी गुड इवनिंग, मीनू सिखा हेलो, ओके, सुखदेव जी वेरी गुड इवनिंग, चलिए मिस्टी साओ जी वेलकम, मिस्टी कैसी हैं आप? बढ़िया हैं मीनाक्षी। चलिए अनिकेत प्रधान जी वेलकम, वेरी गुड इवनिंग अनिकेत जी। तो फ्रेंड्स जल्दी से लाइक कर देंगे आप लोगों में से जिसने भी लाइक नहीं किया है। आज का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हमारा सेशन होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो जल्द बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखते हैं आप लोगों का भी प्रैक्टिस कैसा रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, फिजिक्स से हमने लिया है। पहला क्वेश्चन क्या है, घंटी जो है, यानी कि घंटी की जो धातु है, घंटी धातु डैश डैश का मिश्रण होती है। तो घंटी धातु किसका मिश्रण होती है, घंटी में किसका मिश्रण है? ये निकेल का और कॉपर का होती है, जिंक और कॉपर का होती है, पीतल और निकेल का होती है, टिन और कॉपर का होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आंसर देंगे मिस्ट्री जी अनिकेत। मिस्ट्री आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे प्लीज़। ठीक है, ओके, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, अभी सब्सक्राइब करिए। बिल्कुल अनिकेत, दिनेश, मीनूसिका, सुखदेव जी आंसर दीजिए फ्रेंड्स, सभी जल्दी से आंसर देंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोगों के कमेंट मेरे पास थोड़े कम आ रहे हैं। हाँ, आंसर करते रहेंगे और कमेंट भी आप लोग करते रहेंगे। थोड़ा सा मैं जल्दी चलूँगी बिकॉज इसके बाद हमारी 10 बजे से आज फिर से हमारी बजट की क्लास है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारी कल बच गई थी, ठीक है, जो नहीं हो पाई थी। ठीक है, चलिए, ठीक है, ओके, मिस्ट्री बहुत बढ़िया, सुखदेव जी, मीनू सिका जी, अनिकेत जी, करेक्ट, सही आंसर होगा ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ, टिन और कॉपर, अनिकेत करेक्ट आंसर दे रहे हैं यहाँ पर, टिन और कॉपर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल मिस्ट्री, ठीक है, अच्छा, प्रीति साहु की फ्रेंड है, थैंक यू, प्रीति को भी बुलाओ जल्दी से, जल्दी से, प्रीति के बिना भी क्लास इनकम्प्लीट सी है, बिल्कुल बुला लेंगे। जोगेंद्रा, चलिए, घनश्याम गोस्वामी जी, वह ओके, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर होगा। टिन और कॉपर की बात करूँ तो घंटी की जो धातु है मैम, यहाँ पर ये किसकी मिश्र धातु होती है, टिन और कॉपर की होती है। इमेज में आप देखने देखिए घंटी, ठीक है, अब ये घंटी आप लोग बोलते होंगे कि मैम ये हमारे पास में पीतल की होती है, पूरे तरीके से पीतल की नहीं होती है। आप कहेंगे मैम ये पूरे तरीके से कॉपर की नहीं भाई, ये बेल धातु टिन और तांबे के मिश्रण की होती है, जिसमें कि मैं बात करूँ यहाँ पर टिन यानी कि जो सॉरी हमारे पास में कॉपर 90% होता है, और सन यानी कि हमारे पास में जो तांबा होता है मैम यहाँ पर 10% होता है, और जिसे कांसे के रूप में जाना जाता है। तो जो हमारे पास में जो घंटी बनती है मैम, ये कांसे की बनती है, ठीक है, किसकी मैम, कांसे की बनी हुई होती है। ठीक है, यस मैम, नेक्स्ट, तो आप यहाँ पर देख लेंगे किसकी, यहाँ पर यानी कि मैम ये कॉपर और उसके साथ में यानी कि तांबे की बनी हुई होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया मीनूसिका अनिकेत, ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है यहाँ पर, वर्ष 2018 के वन्य जीव फोटोग्राफर पुरस्कार किसने जीता? तो 2018 का जो फोटोग्राफर पुरस्कार है, वन्य जीव फोटोग्राफर पुरस्कार, ये किसने जीता है? थॉमस मैंगलेसन ने जीता है, माइकल निकोलस ने जीता है, या मार्सेल वैन ऑस्टन ने जीता है, हरमन सेन ने जीता है? यस, चलिए मीनू सिखा सही आंसर क्या होगा, घनश्याम गोस्वामी जी, मिस्ट्री सही आंसर, शिवानी, ओके, शिवम कुमार जी, घनश्याम, शिवम आप लोग पहली बार हैं जो लोग, तो प्लीज़ सेशन को ज़रूर लाइक कर देंगे, और हाँ भाई चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल भी ना भूलेंगे। ठीक है, यस, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 3, मार्सेल और मार्सेल बैन ऑस्टन की बात करूँ, मार्सेल बैन ऑस्टन को मैम 2018 का वन्यजीव फोटोग्राफर पुरस्कार मिला था। ठीक है, बिल्कुल, आपको पता होगा डच फोटोग्राफर मार्सेल बैन ऑस्टन ने चीन में गंभीर रूप से लुप्त प्राय एक सुनहरे स्वबन मान जो नाक बंदर, इनकी तस्वीर के साथ एक वर्ष 2018 के वन्यजीव फोटोग्राफर ग्रैंड टाइटल पुरस्कार जीता। अब ये क्या है, ये चाइना में पाए गए, जो एक मैं बात करूँ यहाँ पर रेड डाटा बुक में इनको जारी कर दिया, यानी कि मैं बात करूँ रेड डाटा बुक में इनको, या फिर ये जो लुप्त प्राय प्रजाति है
ठीक है, सुनहरे स्नव नाग बंदर, इनकी तस्वीर ली थी इन्होंने और इन्हीं के साथ इनको 2018 का वन्य जीव फोटोग्राफर ग्रैंड टाइटल से पुरस्कार दिया गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया दिनेश जी, मीनूसी का बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया सुखदेव मिस्टी दिनेश, आगे बात करेंगे नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे देखेंगे यहाँ पर द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, ठीक है, WPVI दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित और सबसे बड़ी जी यहाँ पर वन्य जीव फोटोग्राफी प्रतियोगिताओं में से एक है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके नेक्स्ट आगे बात करें इसमें। 1964 में शुरू हुई विजेता और उपविजेताओं की प्रविष्टियाँ 1992 के प्रत्येक वर्ष में यह एक पुस्तक प्रारूप में प्रकाशित होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करेंगे, किस राज्य के प्रसिद्ध शाही लीची को यहाँ पर हाल ही में भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग मिला है। तो अब देखिए यहाँ पर जो शाही लीची है, शाही लीची कहाँ की है या शाही लीची को कहाँ से किस राज्य के स्तर पर GI टैग दिया गया है। GI टैग में बात करूँ भौगोलिक संकेत, भौगोलिक संकेत यानी कि यहाँ पर मैं बात करूँ ज्योग्राफिकल जो इंडिकेशन दिया गया है किसको दिया गया है। दिनेश आंसर देंगे, मीनूसिका, अनिकेत, सुखदेव, मिस्ट्री, दिनेश, बहुत बढ़िया, सही आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, बहुत बढ़िया, चलिए ओके ओके ओके, करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का यहाँ पर ऑप्शन 4, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि आपको पता होगा लीची मैम झारखंड से तो बाहर है, उत्तर प्रदेश में भी नहीं है, पश्चिम बंगाल में भी नहीं, नहीं मैम बिहार का आसपास वाला एरिया आता है ना, बिहार का पास वाला एरिया आता है। ओके मधु जी वेरी गुड इवनिंग, ओके चलिए सही आंसर होगा देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी, उत्तरी बिहार के जो प्रसिद्ध शाही लीची को भौगोलिक संकेत दिया गया है, GI टैग जो दिया गया है मैम किसको दिया गया है, ये उत्तरी लीची को दिया गया है। ठीक है बहुत बढ़िया मैम, बस आपने इमेज दिखा के काम गड़बड़ कर दिया, इमेज दिखा के हमें भी लीची का मन हो गया है ना, क्या बात है। चलिए मधु जी वेरी गुड इवनिंग, मिस्टी, मीनूसिका, मधु, सुखदेव, शिवम, दिनेश एंड अनिकेत, ठीक है नन ऑफ द दीज, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे, चलिए यहाँ पर देखते हैं, जाडू आम कतरनी और चावल या मगही पान के बाद GI टैग प्राप्त करने के बाद शाही लीची के स्थान पर राज्य जो है यहाँ पर जो बिहार है हमारा, बिहार 4th नंबर पर आ चुका है। ठीक है यस मैम, नेक्स्ट शाही लीची मुख्य रूप से बिहार के मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जो है वैशाली इन पूर्वी चंपारण और यहाँ पर बेगूसराय यहाँ पर कृषि जलवायु क्षेत्रों के आसपास क्षेत्रों में कुछ हिस्सों में जो है शाही लीची की खेती की जाती है, ये भी बिहार में। ठीक है यस मैम, बिहार से कितने स्टूडेंट है मेरे साथ, कोई है बिहार से, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है यहाँ पर, एक्टिनाइड्स, एक्टिनाइड्स डैश डैश से परमाणु संख्या वाले तत्व हैं, तो एक्टिनाइड से डैश डैश परमाणु संख्या वाले तत्व भाई कौन से हैं, यहाँ पर मैं बात करूँगी यहाँ पर 9, देखिए यहाँ पर 97 से 108 या 101 से यहाँ पर 115, 89 से 103, 36 से यहाँ पर 43, कितने तत्व हैं। सुखदेव आंसर बताएंगे, अनिकेत जी, दिनेश, शिवानी, सुखदेव, मधु, मीनूसिका, करेक्ट आंसर क्या होगा, मीनूसिका आपका नाम सच में मीनूसिका है क्या, सिक्का मीनूसिका है, अच्छा मीनूसिका, चलिए ओके ओके, चलिए क्षेत्र है भाई एक, हाँ सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल शिवम कुमार बहुत बढ़िया वेरी गुड, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, 89 से यहाँ पर 103 तक, 79 से 103 तक। ठीक है हाँ बिल्कुल मिला, और असम की मिर्च है, असम की मिर्च है, असम की मिर्च, हाँ रेड चिली, चिली को मिला, यस मधु करेक्ट आंसर होगा मैम ऑप्शन सी, देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है यहाँ पर, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए अक्सर उपयोग किए जाने वाले दो तत्व हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, तो ट्रांजिस्टर बनाने के लिए जो हमें दो तत्वों की आवश्यकता होती है वो कौन से होते हैं, एक जर्मेनियम और यहाँ पर कॉल्वियम होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है, बोरान एलुमिनियम होता है या सिलिकॉन और टंगस्टन होता है। मीनूसिका आंसर बताएंगे, ओके बहुत बढ़िया, मिस्ट्री आंसर बताएंगे, शिवान, चलिए शिवम जी, मीनूसिका जी, मधु जी, अनिकेत, अनिकेत आज आज अपने एरियाज वाले बच्चे नहीं आए, जल्दी से सभी को मैसेज कर दो जितने आपके फ्रेंड है, सबसे कहो फटाक से क्लास में आए, अनिकेत फटाक से जल्दी से बोलो करेक्ट आंसर क्या होगा, हाँ करेक्ट आंसर क्या होगा, सही आंसर, और सेशन लाइक कर दो जितने बच्चे मेरे साथ हैं सभी के सभी। ठीक है फ्रेंड्स ओके, सही आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सही आंसर बहुत बढ़िया, शिवम कुमार करेक्ट आंसर दे रहे थे बहुत बढ़िया मैम, सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करेंगे
तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। मैंने उसे कहा ओके बहुत बढ़िया सुखदेव जी। तो यहाँ पर हमें मैंने बोला सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है ठीक है, इसके लिए ट्रांजिस्टर बनाने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में सत्य नहीं है। ये एनटीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी, एनटीपीसी एग्जाम के लिए एक वो एक क्वेश्चन एग्जिट ऐसे ही रखा हुआ मिलेगा आपको ठीक है। चलिए यहाँ पर है कि सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में कौन सी बात सही है। तो कह रहे सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ये सोडा वाटर में एक सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, कह रहा है कि यह एक रंगीन और गंधहीन होता है। थर्ड में बोल रहा है कि इसे ऑयल ऑफ पेट्रोल के रूप में जाना जाता है। फोर्थ में बोल रहा है कि लेड और स्टोरेज बैटरीज में, लेड और स्टोरेज बैटरी सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो आप लोग मुझे बताएंगे यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। खुशी चौहान वेरी गुड इवनिंग खुशी, क्या बात बढ़िया है सब। लेट आ रही हो खुशी, लगभग 15 मिनट लेट हो आप, क्या बात है। क्लास में एंट्री 15 मिनट लेट, बाप रे हद हो गई आज तो। चलिए सेशन लाइक कर देंगे फ्रेंड जितने लोग नए जुड़े हैं सब। करेक्ट आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा। चलिए मैम करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि सोडा वाटर में। ये वाली बात गलत है, सोडा वाटर में सल्फ्यूरिक एसिड होता है बिल्कुल भी नहीं होगा, उसके कंपाउंड उसके साथ बिल्कुल भी नहीं मिल पाएंगे। ये एक रंगीन होता है गंधहीन होता है, बिल्कुल सल्फ्यूरिक एसिड एक रंगीन और गंधहीन इसकी एक विशेषता होती है। दूसरी विशेषता इसका एक और, अगर मैं ऑयल ऑफ पेट्रोल कहूँ तो इसको ऑयल ऑफ पेट्रोल के नाम में भी जाना जाता है। आपसे सल्फ्यूरिक एसिड का पूछा जाएगा तो इसको ऑयल ऑफ पेट्रोल भी यहाँ पर बोला जाता है। आपको पता होगा जो लेड मतलब यानी कि जो हमारे पास में थोड़ा सा यानी कि जो हमें थोड़ा सा विद्युत देती हैं, इलेक्ट्रॉन क्रिएट करती हैं ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो इलेक्ट्रॉन क्रिएट करने के लिए स्टोरेज बैटरीज में सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल बात यहाँ पर आप लोगों की सही होगी ठीक है। यस मैम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। चलिए दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्ध्य क्या होती है। इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के आज क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैम। ओके मतलब आंसर बताएंगे। चलिए मिस्टी बहुत बढ़िया, मीनू सिका, मधु, शिवम कुमार, खुशी चौहान वेरी गुड बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर क्या होगा। बाकी फ्रेंड्स चलिए मुझे बताएंगे कि जो हमारे पास में एक दृश्य स्पेक्ट्रम तरंग दैर्ध्य क्या होता है, यहाँ पर 85 से 98 होता है एंगस्ट्रोम में होता है, या 78 से यहाँ पर 8000 एंगस्ट्रोम में होता है, यहाँ पर 8500 से या फिर 7800 से 8000 एंगस्ट्रोम में होता है, या 3900 से यहाँ पर 7600 एंगस्ट्रोम में होता है, 1300 से 3000 एंगस्ट्रोम में होता है जो स्पेक्ट्रम तरंग दैर्ध्य होती है एक दृश्य की। तो सही आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आप लोगों का, चलिए बहुत बढ़िया करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। यहाँ पर 3900 से 7600 एंगस्ट्रोम में होता है एक स्पेक्ट्रम तरंग दैर्ध्य ठीक है। यस मैम बहुत बढ़िया, आगे बात करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर था ठीक है, बिल्कुल वेरी गुड बहुत बढ़िया। ओके मिस्ट्री ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड मिस्ट्री ने सही दिया है आंसर बहुत बढ़िया। ओके मेनू सिका नहीं, नहीं बाकी ने नहीं, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर आगे बात करें। प्राकृतिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अक्सर परमाणुओं और अणुओं और सूक्ष्म जैविक संरचनाओं, रासायनिक बंधनों की लंबाई, क्रिस्टल में परमाणुओं की व्यवस्था, विद्युत चुंबकीय विकिरण के तरंग दैर्ध्य और एकीकृत परिपथ भागों में आयामों को व्यक्त करने के लिए यहाँ पर इसका उपयोग करते हैं ठीक है फ्रेंड्स। एक एंगस्ट्रोम की मैं बात करूं तो एक एंगस्ट्रोम में जो है यहाँ पर 10 से 10 मीटर यानी कि 1 मीटर का 10 अरबवां, या फिर मैं बात करूं 0.1 नैनोमीटर के बराबर लंबाई इसके पास होती है। एंगस्ट्रोम को हम इस वाले ऐसे इंडिकेट करते डिनोट करते हैं। और इस दृश्य प्रकाश की मैं बात करूं तो 4000 से 7000 एंगस्ट्रोम रेंज की तरंग दैर्ध्य पर ये बनता है ठीक है। यस मैम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर क्या होगा यहाँ पर आप मुझे बताएंगे। लेंस और प्रिज्म, आपको पता होगा एक होता है लेंस ठीक है, ये होता है हमारे पास में कोई भी दर्पण है ठीक है, और वो किसी प्रवृत्ति से गुजरा हुआ इसको बोलेंगे लेंस। प्रिज्म क्या होता है मैम, प्रिज्म है हमारे पास में ये ठीक है, जो कांच का एक हाँ पारदर्शी है। तो यहाँ पर लेंस और प्रिज्म बनाने में किस प्रकार का कांच इस्तेमाल किया जाता है मुझे ये बताएंगे। इस लेंस को अगर हमें बनाना और इस प्रिज्म को बनाना है तो किस प्रकार का कांच इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। देखिए क्रुक्स और कांच, यहाँ पर क्रुक्स कांच का इस्तेमाल करेंगे, या फिर जो सॉफ्ट कांच होता है मुलायम कांच उसका इस्तेमाल करेंगे, मुलायम ग्लासेस का, या फिर यहाँ पर जो फ्लाइंट ग्लासेस होता है फ्लेंट कांच का इस्तेमाल करेंगे, जैना कांच का, आप लोग मुझे बताएंगे। बहुत बढ़िया खुशी, बहुत अच्छा आंसर है, बहुत बहुत ही परफेक्ट क्वेश्चन। हाँ भैया मैम मेरा
आंसर भी ठीक था। हाँ बिल्कुल ठीक था, मैंने उसे कहा। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मिस्ट्री आंसर दे रही हैं, बिल्कुल नीतू पाल रहा। अरे वाह, वेरी गुड इवनिंग नीतू पाल, क्या बात है, आज पढ़ने का मन कर गया आखिरकार। अरे मैम पढ़ते तो रोज हैं, बस आज आपकी क्लास में आ गए। चलिए तो जरा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर देंगे, ठीक है। ओके ओके, बहुत बढ़िया। आंसर क्या होगा नीतू जी? शिवम जी, खुशी चौहान, बहुत बढ़िया, अनिकेत, मिस्ट्री, नीतू, मीनू, सिका। सही आंसर क्या होगा? सुखदेव। करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? घनश्याम गोस्वामी जी। चलिए करेक्ट आंसर होगा मैम दिनेश कुमार। सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास में फ्लिंट कांच होता है, तो फ्लिंट कांच से हम एक तो लेंस बनाते हैं, जो लेंस होता है, और प्रिज्म भी हम किससे बनाते हैं मैम? फ्लिंट कांच से बनाते हैं। अब मैम मैं बात करूँ आप लोगों से कि बहुत सारे हम क्या बनाते हैं, अन्य अन्य प्रकार के क्या बनाते हैं, लेंसेज बनाते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले कि हम चश्मे, ग्लासेस कैसे बनाते हैं। जो हमारे पास में फ्लिंट कांच, ऑप्टिकल कांच का ही एक प्रकार होता है। ऑप्टिकल फाइबर अलग होता है, ऑप्टिकल कांच अलग होता है, ठीक है। ठीक है, चलिए, इसका प्रयोग या इसका उपयोग हम लेंस, प्रिज्म और ऑप्टिकल उपकरणों जैसे टेलीस्कोप बनाना है या सूक्ष्मदर्शी बनाना है, दूरबीन बनाना है, इन सब के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे मैम? क्विंटल जो हमारे पास में, सॉरी फिल्टन कांच है, ठीक है। कौन है मैम? यहाँ पर फिल्टन कांच है, तो हम यहाँ पर फिल्टन कांच का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चाहे दूरबीन बनानी है, टेलीस्कोप बनाना है, कोई भी ऑप्टिकल फाइबर या सॉरी ऑप्टिकल दर्पण में या ऑप्टिकल कोई भी चीज बनानी है। अब यहाँ पर क्रूक्स कांच किस में इस्तेमाल किया जाएगा? जो हम चश्मे बनाते हैं। अभी मैंने ऑप्टिकल की बात करी थी, है ना, आपने देखा होगा ऑप्टिकल मैम चश्मे, जो चश्मे हम लोग बनाते हैं उस पर तो मैम ऑप्टिकल लिखा रहता है, ऑप्टिकल लिखा रहता है, उसमें कांच इस्तेमाल होता है। फाइबर में यस मैम, फाइबर क्या होता है? फाइबर होता है अपारदर्शी, आपका यानी कि प्लास्टिक प्लस कांच का बना हुआ, उसको बोलते हैं फाइबर, ठीक है। अब यहाँ पर क्रूक्स कांच कैसा होगा? क्रूक्स कांच के बनते हैं आपके चश्मे, जो पराबैंगनी किरणें जो आंखों के लिए हानिकारक होती हैं उनको अवशोषित कर देते हैं क्रूक्स कांच, उनको क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं, और आपके रेटिना आपके अंदर आंख तक उसको नहीं जाने देते, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, ठीक है, कभी भी आंसर ऐसा नहीं देंगे, बिल्कुल सोच समझ के। बहुत बढ़िया आकाश, मेनुसिका, बहुत बढ़िया दिनेश, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, ये मुझे बताएंगे इनमें से कौन सा गलत है, ठीक है। सभी के नाम मैं बिल्कुल यहाँ पर देखूंगी, करेक्ट आंसर आप लोग क्या दे रहे हैं ये मेरी। चलिए, कह रहा बैंकिंग सोडा जो होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट उसको बोलते हैं, बैंकिंग सोडे को हम सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, मुझे नहीं पता, आपको पता होगा। वॉशिंग सोडे को हम सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, या फिर WBC और RBC का अनुपात हमारे पास में यहाँ पर कितना होता है मैम? WBC अगर एक है तो RBC हमारे पास में 600 होती है। कह रहा है ये सभी सही है, तो सही आंसर क्या होगा? चलिए ओके, आकाश यादव, बहुत बढ़िया, वेलकम आकाश, कैसे हाल चाल है? वेरी गुड इवनिंग आकाश, हेलो, आंसर देंगे आकाश जी, सेशन को लाइक कर लेंगे जल्दी से फटाक से। आने के मिस्ट्री, बहुत बढ़िया मिस्ट्री, चलिए बहुत बढ़िया। निसार चौधरी जी, ओके वेलकम निसार, करेक्ट आंसर क्या होगा? निसार, मिस्ट्री, अनिकेत, नीतू, मेनुजिका, ओके घनश्याम गोस्वामी, करेक्ट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैम, करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर मैंने पूछा था कि भैया यहाँ पर नॉट करेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो नॉट करेक्ट है? आपको पता है बैंकिंग सोडे को मैम सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। आगे वॉशिंग सोडा जो होता है, मैं बात करूँ वॉशिंग सोडा, धावन सोडा, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट नहीं लगाना, बाइकार्बोनेट लगाएंगे तो बैंकिंग सोडे में चले जाएंगे। अब WBC और RBC का उसने अनुपात बताया 1, यहाँ पर कह रहा है कि अगर हमारे पास में WBC अगर हमारे पास में 1 है तो RBC कितनी होंगी? RBC को बोल रहा है कि मैम 600 होंगी, ठीक है, इनका रेशियो ये है, तो यहाँ पर सही आंसर ये नहीं होगा, ऑप्शन सी, बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन सी हमारे पास में गलत होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, कितने बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया जरा चेक करना बनता है एक बार। सुखदेव, बहुत बढ़िया मैम, प्रीति जी नहीं आई आज, अरे वाह आकाश क्या बात, प्रीति की डिमांड, प्रीति जी पता नहीं, प्रीति की फ्रेंड है आज, मिस्ट्री उनसे बात करो। सुखदेव बहुत बढ़िया, आकाश बहुत बढ़िया कर दिया, चलिए बहुत बढ़िया सुखदेव जितने। अच्छा चौधरी जी आप आज पहली बार है, रूपक चौधरी वेलकम, रूपक चौधरी और निसार, ठीक है, और अंशुल राठी, जल्दी से सेशन को लाइक करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा था ना कल आपने निसार चौधरी जी? हाँ मुझे पता है नहीं करा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन यहाँ पर सत्य नहीं है? कौन सा स्टेटमेंट ऐसा यहाँ पर कह रहा है कि नॉट करेक्ट, फॉलोइंग दिस द नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है? कह रहा है जो हमारा यूरिन होता है, मूत्र का जो रंग पीला होता है यूरोक्रोम की वजह से होता है,
यानी कि जो यूरिन है उसका पीला रंग यूरोक्रोम की वजह से होता है, और दूसरा कह रहा है कि रक्त का जो लाल रंग होता है उसका रीजन हीमोग्लोबिन है। पता नहीं मुझे, आप कहेंगे यहाँ पर। और नेक्स्ट अगला थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है कि फाइब्रिनोजोन जो होता है, फाइब्रिनोजेन और यहाँ पर हैपेरिन, ये प्रोटीन है एक प्रकार की। फाइब्रिनोजोन और हैपेरिन एक प्रकार की प्रोटीन है। दूसरा कह रहा है कि जो मेंढक है, मेंढक ठीक है, हाँ, मेंढक गिल्स के माध्यम से सांस लेता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा परफेक्ट मिस्ट्री आंसर देंगे, बहुत बढ़िया। ओके ओके, शिवांकर जी, शिवांकर गौतम वेलकम, क्या हाल चाल है? बढ़िया है, सेशन लाइक कर लेंगे जल्दी से। शिवांकर मिस्ट्री बहुत बढ़िया, रूपक सुखदेव ओके बहुत बढ़िया। चलिए अंशु राठी आंसर देंगे, निसार जी आंसर देंगे, बहुत बढ़िया। दिनेश कुमार, नीतू पाल, आकाश जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। अनिकेत, मीनूसिका, चलिए मिस्ट्री करेक्ट आंसर क्या होगा मैम? करेक्ट आंसर बहुत बढ़िया। चलिए कुछ बच्चों का करेक्ट आंसर आ रहा है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा, मिस्ट्री बहुत बढ़िया। हाँ करेक्ट आंसर बहुत बढ़िया, शिवांकर ने दिया है, बहुत बढ़िया। शिवानी नहीं बेटा, शिवम कुमार, अंशु राठी, चलिए मिस्ट्री, नीतू बहुत बढ़िया, शिवम कुमार, मीनू, चलिए करेक्ट आंसर क्या होगा मैम? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मेंढक कभी भी गिल्स से सांस नहीं लेता, गिल्स से सांस लेती है आपकी मछली। कौन मैम? मछली लेती है गिल्स से सांस, मेंढक लेता है त्वचा से सांस, ठीक है, त्वचा से। अब बाकी चीजें बिल्कुल सही है। मूत्र का जो रंग होता है हमारा पीला, वो यूरोक्रोम की वजह से होता है। यूरोक्रोम जो होता है आपका किसमें बनता है मैम? यहाँ पर मैं बात करूँ, यकृत इसे क्रिएट करता है, यकृत में बनता है और पित्ताशय में जाकर के स्टोरेज हो जाता है, यानी कि एकत्र हो जाता है। अब रक्त का जो रंग होता है लाल, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन यानी कि मैं बात करूं मैम, जिसमें आरबीसी की संख्या रहती है, ठीक है, यस मैम। फाइब्रिनोजोन की बात करेंगे तो फाइब्रिनोजोन और एक हैपेरिन, हैपेरिन अलग प्रोटीन होती है। हैपेरिन क्या प्रोटीन होती है? जो ब्लड को जमने नहीं देती है मैम, सॉरी, हमारी जो बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसकी वजह यह है कि हमारे ब्लड में हैपेरिन प्रोटीन पाई जाती है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड बॉडी के अंदर जमता नहीं है। बाहर ऑक्सीजन के परिवेश में आकर के वो क्या करती है? हैपेरिन निष्क्रिय हो जाती है। फाइब्रिनोजोन क्या करती है? फाइब्रिनोजोन भी एक प्रोटीन होती है जो हमारी बॉडी में किसी भी अन्य जीव के काटने से वहां की सेल्स को क्या करती है? हाँ, की सेल्स को, यानी कि इतनी जगह की सेल्स को क्या करती है? वो छीदा छीदा कर देती है, जिसकी वजह से उस सेल्स के पास पास पानी आ जाता है और वहां पर स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, इसी का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? फिर से स्टेटमेंट आप मुझे चॉइस करेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। वेरी गुड इवनिंग विपुल, बड़े लेट आ रहे हो विपुल, ये तो गंदी बात है कि आप स्टेटस लगाओ और आप क्लास में टाइम से नहीं आओ, है ना। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है, सहारा का रेगिस्तान है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा, ठीक है, तो चलिए आप मुझे बताएंगे। वो कह रहा है कि लार्जेस्ट जो हमारे पास में रेगिस्तान है वो सहारा का। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है। आप मुझे बताएंगे सुपीरियर झील किस महाद्वीप में है, ठीक है। नेक्स्ट आगे कह रहा है, विश्व की सबसे बड़ी नदी यहाँ पर बेसिन जो बनाती है, तो ये नील बेसिन है, ठीक है। और फोर्थ में कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप है, और मांजुली द्वीप किस नदी पर है ये भी आप लोग मुझे बता देंगे। चलिए मीनूसी का आंसर क्या होगा? फ्रॉग वाटर में कैसे रह लेता है? आपको पता होगा जो मेंढक है हमारा, ठीक है, आपको पता होगा जो हमारा मेंढक है, मेंढक, ठीक है, हाँ जी मैम, मेंढक, मेंढक कभी भी, मेंढक क्या है? त्वचा से सांस लेता है, यस मैम, वो गलफड़ों से सांस नहीं लेता, तो वो पानी में कैसे रह लेता है? बिकॉज मेंढक को किसकी जरूरत होती है? हमारे पानी में ऑक्सीजन, आप ये मुझे बताएंगे, मेंढक को त्वचा से सांस लेनी है लेकिन पानी में, आप बताएंगे पानी में बिल्कुल आपके ऑक्सीजन के कुछ अणु होते हैं, O2 होता है कि नहीं होता? यस मैम, O2 होता है, जबकि उसे सांस के लिए इसकी जरूरत होती है, वो पानी से हाइड्रोजन से, हाइड्रो के भी अणु होते हैं, यस मैम, तो बिल्कुल सही बात है यहाँ पर, यानी कि इन दोनों के अणुओं को क्रिएट करके वो क्या काम करता है? अपनी त्वचा से उसको सांस लेता है, बहुत बढ़िया, अल्लाह का बंदा, वेरी गुड माधु जी, बहुत बढ़िया। सुखदेव आंसर दे रहे हैं, शिवांकर आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। निशाद चौधरी, मीनूसिका, विपुल, शिवम, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दिनेश जी बहुत बढ़िया, मिस्ट्री, चलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? सबने लाइक कर लिया यार, जिन्होंने लाइक नहीं करा प्लीज लाइक करो फटाक से, जल्दी से लाइक कर दो जिन लोगों ने लाइक नहीं करा। सही आंसर होगा मैम ऑप्शन सी, ये वाला बात। यहाँ पर विश्व का सबसे बड़े बेसिन की बात करूँ तो ये नदी नहीं बनाती है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा अगर रेगिस्तान है तो मैम सहारा का रेगिस्तान है, करेक्ट आंसर है। विश्व की सबसे बड़ी अगर ताजे पानी की झील मानी जाए तो सुपीरियर झील है, कहाँ पर है मैम? USA की बात करेंगे तब, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है मांजुली द्वीप है, और मांजुली द्वीप मैम आपको पता होगा किस नदी पर है, किस नदी पर है मैम, कहाँ पर है मांजुली द्वीप, कहाँ पर है? असम में है, कहाँ पर है मुझे बता देंगे। और साथ ही साथ में यहाँ पर सबसे छोटा द्वीप भी इसी नदी पर है, इसी नदी में है, किस में है जरा मुझे बता देगा कोई? हाँ,
स्किन से लेता है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। मैंने ये पूछा है कि विश्व का सबसे बड़ा माजुली द्वीप है, जो नदीय द्वीप है, ये कौन सी नदी बनाती है? ब्रह्मपुत्रा बनाती है। मैम ब्रह्मपुत्रा की बात करूंगी तो ब्रह्मपुत्र, ठीक है। हाँ जी मैम, चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए। पांच सबसे बड़ी नदी घाटी हैं, आपको पता होगा उनका क्षेत्रफल। सबसे बड़ा जो नदी घाटी क्षेत्रफल है, तो ये बनाती है अमेजन। कितना बनाती है मैम यहाँ पर? ये बनाती है 7 मीटर किलोमीटर, 7 मीटर किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है, बहुत बढ़िया। और मैम ये साउथ अफ्रीका में बनाती है। कांगो बनाती है मैम, ये भी अफ्रीका में बनाती है। नील नदी बनाती है थर्ड नंबर पर, ये अफ्रीका महाद्वीप में बनाती है। और रियो डी ला प्लाटा ये भी बनाती है, ठीक है। इसकी लंबाई ये है कि कितने बड़े क्षेत्र में बनाती है, ये मैम साउथ अमेरिका में बनाती है। और आपको पता होगा मिसिसिपी एक नदी है, मिसिसिपी रिवर जो है ये बनाती है नॉर्थ अमेरिका, यानी कि आपके, हाँ बहुत बढ़िया। दिनेश, मधु, मिस्टी, घनश्याम गोस्वामी, चलिए शशिकांत, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। चौधरी जी करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से मुझे बताएंगे यहाँ पर। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 साल में चुने जाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल में चुने जाते हैं, 2/3, 1/4, या इनमें से कोई भी सही आंसर नहीं होगा। कितने सदस्य है? बिल्कुल दिनेश मुझे आंसर बताएंगे। मधु बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल असम में ही बनाती है, बिल्कुल यस मधु जी। दिनेश, मधु, मिस्टी, घनश्याम गोस्वामी जी, शिवांकर गौतम, ओके चलिए, मधु, अल्लाह का बंदा सुखदेव, ओके निसार, निसार चौधरी, मीनू सिखा, वेपुल जी, करेक्ट आंसर क्या होगा मुझे जल्दी से बता देंगे। मिस्टी, मीनू, करेक्ट आंसर क्या होगा? वेपुल, करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, चलिए चलिए, ओके 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 ओके, चलिए मीनू, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर आ रहा है, बहुत सर बहुत बढ़िया। देखिए करेक्ट आंसर क्या है, बाकी बहुत कम बच्चों का यहाँ पर आंसर आ रहा है। सही आंसर होगा आप लोगों का फ्रेंड यहाँ पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य मैम यहाँ पर, यानी कि आपको पता होगा यहाँ पर, देखिए आपकी जो संसद है, हमारी वर्तमान में जो संसद है मैम, संसद के हमारे पास में दो, कितने मैम, संसद के 2 भाग हैं, ठीक है। यानी कि अंग की बात करेंगे तो अंग कितने हैं संसद के मैम? 3 है, जिसमें एक राज्यसभा है, ठीक है, राज्यसभा है, और एक मैम लोकसभा है, और एक राष्ट्रपति भी संसद का अंग माना जाता है, क्योंकि कोई भी प्रस्ताव जब पारित होता है तो उसमें फाइनल में जो रिजल्ट देगा या फाइनल में जो हस्ताक्षर करेगा राष्ट्रपति महोदय करते हैं। अब अंग की बात करेंगे, पार्ट की बात करेंगे, राज्यसभा और लोकसभा है। अब यहाँ पर बात हो रही है राज्यसभा और लोकसभा की। लोकसभा का टाइम पीरियड कितना होता है मैम? 5 वर्ष। लोकसभा में जो कैंडिडेट बैठे जाएंगे मैम, इनको एक बार चुन लिया जाएगा और 5 साल तक ये काम करते रहेंगे। प्रश्न में पूछा था कि राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 साल में चुने जाते हैं। मैम राज्यसभा का काम होता है, टाइम पीरियड होता है 6 साल, ठीक है। बंदे को चुन लिया जाएगा, 6 साल के लिए नहीं चुना जाएगा, वो काम करता है मात्र 2 साल के लिए, ठीक है। और मैम यहाँ पर 1/3 व्यक्ति, अगर मैं बात करूँ, मैंने 300 व्यक्ति यहाँ पर चुने, एग्जाम्पल फॉर 300 व्यक्ति मैंने राज्यसभा में चुन लिए, ठीक है। अब इन 300 व्यक्तियों में से हमने इनको जो है 300 व्यक्तियों को हम तीन जगह डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 100 व्यक्ति एक बार काम करेंगे, 100 व्यक्ति यहाँ पर एक बार काम करेंगे, 100 व्यक्ति एक बार। ये 1 साल के लिए कितने व्यक्ति रहे? 2 साल के लिए। 100 व्यक्ति ने 2 साल के लिए काम करा, इनको रिटायर कर दिया, 100 व्यक्ति फिर से चुन लिए गए, आगे डाल दिए गए। ये वाले जो 100 व्यक्ति काम कर रहे थे, मतलब थे, उनको अपॉइंट करा गया, 2 साल तक काम कर दिया, फिर इनको भेज दिया 2 साल, यहाँ पर 100 व्यक्ति फिर से हमने डाल लिए, फिर ये 100 व्यक्ति। तो आप ये वाले जो 100 व्यक्ति थे कब से बैठे मैम? 6 साल से। इनका नंबर आएगा 6 साल में 2 साल के लिए, ठीक है, मतलब 4 साल ये वेट करते हैं, उसके बाद में इनका नंबर आता है। तो 1/3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब मे भी आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आ गया हो, समझ आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अनिकेत, मिस्टी, मेनू, बहुत बढ़िया अनिकेत, चलिए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं, ठीक है, चलिए। निसार चौधरी, हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर था निसार जी का, अनिकेत वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं, देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? को स्टेटमेंट बताना है कि कोई एक स्टेटमेंट जो करेक्ट है, कह रहा है कि सोडा वाटर जो होता है, इसका आविष्कार, सोडा वाटर का आविष्कार यहाँ पर जोसेफ प्रेस्टले के द्वारा किया गया था। सोडा वाटर में क्या होता है? यहाँ पर H2CO3 होता है, सोडा वाटर में H2CO3 होता है। थर्ड में क्या कह रहा है यहाँ पर? जोसेफ प्रेस्टले ने 1774 में ऑक्सीजन की खोज करी थी। मतलब मैम यहाँ पर ऑप्शन ए में और हम फोर्थ में, थर्ड में तो हम कंफ्यूज पक्का होंगे, और कह रहा है कि ये सभी है। तो आप ऑप्शन ए और ऑप्शन थर्ड में अगर कंफ्यूज नहीं है तो करेक्ट आंसर आप लोग मुझे बता देंगे। जितने लोग मेरे साथ नए जुड़ गए सबके सब सेशन को लाइक कर देंगे, फटाक से सेशन लाइक कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स, आंसर देंगे, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा,
सुखदेव जी, मीनू सिखा, अनिकेत, बहुत बढ़िया, मिस्टी, बहुत बढ़िया, घनश्याम गोस्वामी जी, सुखदेव जी, निसार जी, अल्लाह का बंदा, विपुल, करेक्ट आंसर, दिनेश जी, सही आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, सही आंसर, बहुत बढ़िया, मिस्टी, आइडिया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अमित राजन, बहुत बढ़िया, अमित जी का आंसर आ चुका है, सही आंसर होगा यहाँ पर। चलिए, वर्णिका चौधरी जी, जय श्री राम, वर्णिका, बढ़िया है हालचाल, क्वेश्चन ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए सभी बातें एकदम सही हैं। सोडा वाटर जो है, सोडा वाटर, इसका आविष्कार जोसेफ प्रिस्टले ने किया था, बिल्कुल करेक्ट बात है। सोडा वाटर में H2CO3 होता है, बिल्कुल करेक्ट बात है। जोसेफ प्रिस्टले की मैं बात करूँ तो इन्होंने 1774 में ऑक्सीजन की खोज भी करी थी। यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर सही है। उसने पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर फॉलोइंग इज द करेक्ट, तो कौन सा स्टेटमेंट सही था मैम, सारे स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ठीक है, ऑल इज द करेक्ट। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के लिए आता है। देखिए घुमरा, उसने पूछा घुमरा, घुमरा का लोक नृत्य, घुमरा लोक नृत्य, आपको पता होगा दो नृत्य होते हैं, एक होता है लोक नृत्य, ठीक है, और एक होता है शास्त्रीय नृत्य। तो आप मुझे यहाँ पर लोक नृत्य की बात करिए। घुमरा राजस्थान का लोक नृत्य है, केरल का है, गुजरात का है, ओडिशा का है, कहाँ का है फ्रेंड्स, घुमरा लोक नृत्य। वर्णिका चौधरी, हाँ मैं बहुत बढ़िया हूँ वर्णिका जी, आंसर क्या होगा जल्दी से मुझे बता देंगे। निसार चौधरी, अनिकेत जी, घनश्याम, अच्छा वर्णिका जी, निसार जी, जो लोग मेरी क्लास में आज पहली बार हैं, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, प्लीज़ 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 आप सेशन को शेयर जरूर करेंगे और लाइक कर लेंगे और चैनल सब्सक्राइब बिल्कुल अभी कर लेंगे, वो तो बाद में करना ही नहीं है, करेक्ट आंसर बताएंगे। चलिए करेक्ट आंसर क्या होगा मैम, सही आंसर होगा ओडिशा, क्या बात है, करेक्ट आंसर। मैम यहाँ पर घुमरा पूछा था, आपने क्या पूछा था, मैंने पूछा यहाँ पर आप लोगों से घुमरा, एक होता है झूमर, एक होता है यहाँ पर झूमर, ठीक है, झूमर, एक होता है यहाँ पर घूमर, घूमर, ठीक है। तो मैंने आपसे ना ही तो घूमर पूछा ना झूमर पूछा, मैंने पूछा था आपसे घुमरा, ठीक है, घुमरा, ये घा मानेंगे घा, ठीक है। तो ये घुमरा पूछा था, घुमरा होता है ओडिशा का, ओडिसी भी तो होता है, यस मैम ओडिसी होता है शास्त्रीय नृत्य मेरे बच्चों, लोक नृत्य नहीं होता वो। अब यहाँ पर जो झूमर नृत्य है ये कहाँ का होता है मैम, ये होता है हरियाणा का, ठीक है, बहुत बढ़िया। घूमर कहाँ का होता है मैम, घूमर की बात करेंगे तो आपको ने देखा होगा वो वाली मूवी आई थी, दीपिका पादुकोण थी उसमें, घूमर घूमर घूमर, लड़कियों ने बड़ा डांस किया था, तो वो था आपका घूमर नृत्य राजस्थान का, भरतपुर में जो किया जाता है, ठीक है। मिस्टी घूमर एंड पनिहारी, हाँ राजस्थान का है घूमर एंड पनिहारी, ठीक है। गुजरात का क्या होता है मैम, गुजरात का होता है डांडिया, गुजरात का क्या होता है डांडिया। कथकली कहाँ का होता है मैम, कथकली शास्त्रीय नृत्य होता है, ये होता है केरल का, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलें, यस मैम यहाँ पर देख लेंगे कुछ लोक नृत्य हैं। मैंने पूछा घूमरा, घूमरा कहाँ का होता है, ओडिशा का होता है, मैंने अभी घूमर आपको बताया था, घूमर घूमर होता है राजस्थान का, बिहू लोक नृत्य है ये, शास्त्रीय नृत्य नहीं है, लोक नृत्य असम का है, और कथकली मैंने आपको बताया यहाँ पर किसका है मैम, केरल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। नेक्स्ट आगे चले, बहुत बढ़िया। कंफ्यूज कितने बच्चे हुए थे देख करके, अरे मैम क्या बताएं, कंफ्यूज ही होना था ही क्वेश्चन में सी, हाँ बहुत बढ़िया। शिवांकर गौतम थोड़े से कंफ्यूज हुआ, मिस्टी अरे वाह क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए एक यहाँ पर पूछा एकवस असीनस, एकवस असीनस वैज्ञानिक नाम किसका, यार बड़ा प्यारा नाम है एकवस असीनस, आपको कई बार किसी किसी ने कहा भी होगा अरे जा तुझसे, कहते ना लड़कियां कह देती तुझसे अरे जा, तो भाई मैंने तो कई बार देखा है लड़कों पर एग्जाम्पल करते हुए। चलिए बताएंगे, ये गधे का नाम है, जेबरा का नाम है, घोड़ा का नाम है, खच्चर का, एक्वस असीनस, एक्वस असीनस किसका साइंटिफिक नेम है, किसका वैज्ञानिक नाम है। हाँ कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं मधु जी, बिल्कुल हाँ मीनू सिखा करेक्ट आंसर, मिस्टी सही आंसर क्या होगा, निसार चौधरी जी सही आंसर क्या होगा, वाणिका क्लास में है या चली गई, ओके घनश्याम गोस्वामी, शिवांकर, अनिके, विपुल सही आंसर क्या होगा, खुशी चौहान क्या होगा, ओके शिवांकर करेक्ट आंसर क्या होगा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलिए करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। निसार आंसर दे रहे हैं, शिवांकर दे रहे हैं, अनिकेत दे रहे हैं, निसार, मिस्टी, शिवांकर, घनश्याम, विपुल, सही आंसर होगा मैम यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ये किसका होता है गधे का। अरे मैम आपने ऑप्शन हिंट दे दिया था, दिनेश कुमार, वेरी गुड, खुशी। कई बार आपको ऑप्शन सी नहीं होगा वर्णिका, ऑप्शन सी नहीं होगा बेटा, यहाँ पर घोड़ा आपने वर्णिका घोड़ा नहीं, हम लोग ज्यादातर गधा कहते हैं, अरे जा गधे तो से ये काम नहीं हुआ, तो अब आप लोगों को ऐसे नहीं कहना, वो बुरा मान जाएगा, ऐसे कहना एक बस असीनस, अरे जा एक बस असीनस, वो थोड़ी देर दिमाग लगाएगा, जब बाद में पता भी चलेगा तो कहेगा यार गाली भी दे के गई लड़की, मतलब साइंटिफिक नेम में, तो वो मान ही जाएगा फिर, अच्छा फिर वो भी आप पर कुछ और अप्लाई करेगा, तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अप्लाई मत कर देना, आजकल काफी एक्टिव स्टूडेंट हैं देख लेना, मुझे कभी किसी ने गधा नहीं कहा, अरे निसार जी चलिए कोई बात नहीं है, उम्मीद करेंगे कि लाइफ टाइम में भी कोई ना कहे, ठीक है। बाकी दिनेश, बाकी सब लोग, मधु, दिनेश जितने भी लोग हैं, आकाश,
तो अपना ध्यान रखना, कोई आपको ऐसे ना बोल के चला जाए, एक्वस असिनस ना बोल जाए, ठीक है। साइंटिफिक नेम देखते हैं, एक्वस असिनस किसको बोलते हैं मैम? गधे का साइंटिफिक नेम होता है एक्वस ब्रचेली। अगर कोई एक्विस ब्रचेली बोल गई तो समझ जाना जेबरा बोल के गई है, जेबरा, ठीक है। एक्वस कैले, यहाँ पर जो कैलेलस बोल गई, एक्वस कैबेलस बोल गई, एक्वस कैलेलस, तो समझ लेना एक्वस कैबेलस आता है, हाँ भाई घोड़ा बोल के गई है। आगे यहाँ पर देख लेंगे खच्चर का क्या होता है मैम, इसका एक्वस एरिसिनस और यहाँ पर मैं बात करूँ एक्वस कैबेलस, तो इसको बोलते हैं खच्चर, क्योंकि एक्वस एसिनस कुछ गधे जैसा होता है खच्चर, ठीक है, और एक्वस कैबेलस कुछ घोड़े जैसा होता है, तो दोनों का मिला जुला होता है, गधे का और घोड़े का, उसको बोलते हैं खच्चर, तो खच्चर का दोनों का मिला जुला नाम होगा, ठीक है। गर्ल्स इतनी साइंटिस्ट नहीं होती हैं विपुल, जिस दिन अगर साइंटिफिक बता दिया ना तो उस दिन आपका गर्ल्स से विश्वास उतर जाएगा, देख लेना दिनेश जी, ठीक है। चलिए गर्ल्स अप्लाई, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या होता है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है मुझे बता देंगे। लड़के बहुत उससे बैठे, अरे मैम हमें कौन बोल के जा रहा, अमित कह रहे हैं, अरे कौन बोल, नहीं अमित नहीं, हाँ मैम हमें कौन बोल के जा रहा, उसको पागल को पागल मत बोलो ना, आपने पागल को पागल क्यों बोलना है चलिए अगर आप अंधे को अंधा बोल देंगे तो वो कुछ नहीं करेगा, है ना, वो रिएक्ट करेगा, तो उसे मत बोलो, उसे प्यार से कहो, हाँ भाई कुछ भी मतलब। चलिए आगे करते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, पानीपत का युद्ध जो हुआ था, उसने कहा पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1556 1526 को हुआ था, खानवा का युद्ध यहाँ पर 17 मार्च 1557 को हुआ था, चंदेरी का युद्ध यहाँ पर कह रहा 29 जनवरी 1528 को हुआ था, और घाघरा का युद्ध 6 मई 1528 को हुआ था, तो इनमें से कौन सा सही है मुझे जल्दी बता देंगे। मिस्टी सही आंसर क्या होगा, बहुत बढ़िया मीनू सी का, मिस्टी अमित आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया अनिकेत, मेंटल बोल दिया तो अनिकेत, दो फालतू मारेगा एक्स्ट्रा देगा तो। चलिए घनश्याम गोस्वामी जी, ओके चलिए चौधरी साहब आंसर क्या होगा, करेक्ट सही आंसर होगा आप लोगों का यहाँ पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जो घाघरा का युद्ध था मैम, घाघरा का युद्ध 6 मई 1528 को 28 को नहीं हुआ था, ठीक है, हाँ बैटल ऑफ घाघरा, ये अनिकेत करेक्ट आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, नहीं आंसर यहाँ पर सुखदेव आंसर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आपको पता होगा ये यहाँ पर 29 में हुआ था, 1529 में हुआ था ये, नहीं कि 1528 में, ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट आगे बात करें, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है मुझे बस इतना बताएंगे कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। चलिए विपुल जी, हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पर जावा प्रोग्रामिंग जो हम जो जावा प्रोग्रामिंग भाषा है ये विकसित की गई थी जेम्स ए ग्लो यहाँ पर गॉसलिंग के द्वारा, जावा कंप्यूटर की लैंग्वेज है, ठीक है, जावा, तो ये यहाँ पर ये जो जावा प्रोग्रामिंग एक भाषा लैंग्वेज है इसको जो विकसित किया था जेम्स ए यहाँ पर गॉसलिंग ने किया था, और आगे नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि स्लिंग फेन जो है इसका आविष्कार यहाँ पर फ्लिप दही ने किया था, और जो मैजिक मार्कर का आविष्कार है ये सिडनी यहाँ पर रोनथल ने किया था, और कह रहा है कि ये उपरोक्त सभी सही हैं, तो बस चलिए सही आंसर क्या होगा, घाघरा के किनारे हुआ था, घाघरा नदी के किनारे हुआ था, इसीलिए बोला जाता पानीपत का युद्ध, पानीपत पानीपत क्षेत्र में हुआ था इसीलिए पानीपत का युद्ध बोला जाता, उन क्षेत्रों के नाम पर उन युद्धों का नाम पड़ा, ठीक है, यस हाँ दिनेश, चलिए सही आंसर क्या होगा, बहुत बढ़िया मिस्टी, हाँ करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से मुझे बता देंगे घनश्याम गोस्वामी, हाँ चलिए शिवम सुखदेव मिस्टी सही आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यहाँ पर उपरोक्त तो सभी बातें सही है, जो जावा है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमारे किसके अर्थमेटिक लैंग्वेज यानी कि जो अर्थमेटिक हमारे आंकड़े होते हैं, ठीक है, साथ ही साथ में जो हमारे साइंस के कुछ आंकड़े होते हैं उनको यहाँ पर आंसर देती है, ये जेम्स ग्लोसलिंग ने इसको जो यहाँ पर विकसित किया था। सीलिंग फैन का बात करूँ तो जो छत वाला पंखा होता है, सीलिंग फैन मतलब जो छत वाला पंखा है, छत वाले पंखे का जो आविष्कार किया था ये फिलिप दही ने किया था, इंपॉर्टेंट है, छत वाला पंखा घुमाते हो हर किसी के कमरे में होगा छत वाला पंखा, आविष्कारक नहीं पता होगा, तो ऑल इज करेक्ट बिल्कुल दिनेश जी, मिस्टी खुशबू बहुत बढ़िया, छत वाले पंखे का आविष्कार मैम यहाँ पर फिलिप दही ने किया था, और जो मैजिक मार्कर आविष्कार करते हैं तो मैजिक मार्कर हम जो चलाते हैं तो ये सिडनी सोनथेलन ने इसका आविष्कार किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं, अजात शत्रु वो कह रहा है कि अजात शत्रु जो था किसका पुत्र था, अजात शत्रु का पुत्र था, अजात शत्रु का पुत्र कौन था, अजात शत्रु का पुत्र था,
बिंबिसार का, बिंदुसार, बृहदस्त्र या फिर उदयन। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी प्लस प्लस, मुझे नहीं पता। मीनू सिका इसका, नहीं मुझे नहीं पता। सी प्लस प्लस, चलिए मुझे बताएंगे। अजातशत्रु का पुत्र था, अजातशत्रु का पुत्र था, बिंबिसार था, बिंदुसार था, बृहदस्त्र था या उदयन था? करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए जल्दी से मुझे बता देंगे सही आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मीनू जी आंसर दे रही हैं, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बिंबिसार मैम यहाँ पर अजातशत्रु का पुत्र था, बिंबिसार इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अरमान जी, वेलकम अरमान, कैसे हाल चाल है? बढ़िया है मैम, कितना कट रहा है टाइम। चलिए नेक्स्ट, आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, देखिए मुला यहाँ कह रहा है कि मुलामुथा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? मुलामुथा नदी के तट पर कौन सा शहर अवस्थित है? पुणे है, सूरत है, जबलपुर है या फिर रांची है? करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? मुलामुथा नदी के तट पर कौन सा शहर अवस्थित है? जल्दी से आंसर बता देंगे मुझे सही आंसर क्या होगा। यस फ्रेंड, करेक्ट आंसर होगा मैम यहाँ पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही बात है। ओके अनिकेत जी, हाँ चलिए, निसार चौधरी ने सबसे तेज आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर क्या होगा मैम? पुणे इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर होगा पुणे। तो जो मुला मैंने पूछा था, मुलामुथा नदी के तट पर जो है कौन सा शहर है, तो पुणे है। सूरत किस पर है? सूरत मैं बात करूँ, सूरत और साबरमती, ठीक है साबरमती। आगे मैं बात करूँगी, जबलपुर किस पर है? जबलपुर तो आप मुझे बता देंगे गोदावरी। रांची की बात करेंगे, रांची किस पर है? सोन कहाँ पर है? यस नेक्स्ट, आगे बात करते हैं चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, 21 देखिए, निम्नलिखित में से किन केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री का प्रावधान है? तो कौन सी यूनियन टेरिटरी है जहाँ पर हमने मुख्यमंत्री अपॉइंट कर रखे हैं? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कौन से ऐसे हमारे पास में केंद्र शासित या यूनियन टेरिटरी हैं जिनके पास में ये अधिकार है कि वो वहाँ पर जो है बिल्कुल सीएम अपॉइंट कर सकते हैं? जी अनिकेत अरमान जी, सही आंसर क्या होगा जल्दी मुझे बता देंगे। अरमान लग तो मुझे भी रहा था। चलिए निसार चौधरी करेक्ट आंसर क्या होगा? अमित जी मिस्टी सही आंसर क्या होगा? आकाश यादव जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सुखदेव, विपुल, मेनू करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ओके बहुत बढ़िया अमित, सही आंसर क्या होगा? मिस्टी, बहुत बढ़िया। ओके 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 चलिए निसार, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा मैम ऑप्शन फोर इज द करेक्ट आंसर, इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर मैं बात करूँगी इनमें से कोई भी नहीं, हमारे पास मात्र एक है, क्या है मैम? दिल्ली। तो दिल्ली में आपने देखा होगा हम जहाँ पर सीएम अपॉइंट करते हैं, यहाँ पर मैम प्रशासक अपॉइंट किए जाते हैं। क्या प्रशासक? जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार होती है, केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार यहाँ पर क्या काम करती है फ्रेंड्स? केंद्र, जो हमारे पास में केंद्र सरकार होती है, केंद्र सरकार यहाँ पर प्रशासक अपॉइंट करती है। ठीक है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप में, दमनद्वीप में, चंडीगढ़ में, इन सभी क्षेत्र में। बस दिल्ली को छोड़कर दिल्ली के सीएम की बात करेंगे तो आपको पता है दिल्ली में हम सीएम अपॉइंट करते हैं। वर्तमान में कौन है मैम? वर्तमान में अरविंद केजरीवाल, आम पार्टी के, आम आदमी पार्टी के, बिल्कुल। ठीक है, हाँ नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा? तो चलिए आज के कुछ इंपोर्टेंट ज्ञान की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास में कुछ यूनियन टेरिटरी हैं और इंडिया के कुछ संघ शासित क्षेत्र जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, सबसे पहले मैं यूनियन टेरिटरी बात करूंगी और उनके कैपिटल और चीफ मिनिस्टर हैं। तो अभी यहाँ पर चीफ मिनिस्टर चेंज हो चुके हैं बच्चे पार्टी, ठीक है, और उनके गवर्नर भी यहाँ पर चेंज हो चुके हैं। ठीक है, दिल्ली की बात करेंगे मैम, दिल्ली तो दिल्ली में जो है अरविंद केजरीवाल वर्तमान में है, बिल्कुल ये बात सही है। और अनिल बैजल हमारे जो दिल्ली, मैं दिल्ली की, दिल्ली गवर्नमेंट के जो है मैं बात करूँ, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटर जो है दिल्ली में अनिल बैजल ही हैं। और यहाँ पर सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल है। पुदुचेरी की बात करेंगे, यहाँ पर पुदुचेरी, ठीक है बहुत बढ़िया। तो पुदुचेरी की कैपिटल भी पुदुचेरी ही है, और वहाँ पर कौन है मैम? यहाँ पर मैं बात करूँ विलू, तो यहाँ पर विलू जो है यहाँ पर सीएम है। ठीक है, और यहाँ पर किरण बेदी की बात करें, किरण बेदी यहाँ पर क्या है मैम? किरण बेदी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटर है। ठीक है, चलिए बाकी कैपिटल हैं, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख लेंगे, अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर कैपिटल होगी। ठीक है, और यहाँ पर जो चंडीगढ़ है इसकी, चंडीगढ़ कैपिटल है। ठीक है, और यहाँ पर सभी जगह एडमिनिस्ट्रेटर हैं। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखनी होगी। दमन और दीव की, दादर नागर हवेली की, जबकि दादर नागर हवेली जो अब साथ में हो चुकी है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी फ्रेंड्स आज के लिए। अब आप लोगों की 10 बजे से क्लास होगी, 10 से 11, ठीक है, तो 10 बजे से जो क्लास होगी बजट की होगी, जो आप लोगों की चीज़ें बढ़ चुकी हैं। ठीक है, और कल जो 10 बजे से क्लास होगी आपकी, 10 से 11 फ्रेंड्स, 100 क्वेश्चन आपके बजट पर मैंने तैयार कर लिए हैं।
तो 100 क्वेश्चन आपके बजट पर, आपके किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन बजट से बनता है तो इन 100 क्वेश्चन से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाने वाला, शर्त के साथ ये बात मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि आपका बजट, यूनियन बजट की बात करूं तो यूनियन बजट में 100 क्वेश्चन से बाहर आपका कोई भी किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला। आपके एग्जाम में बजट से संबंधित प्रश्न आएगा, जरूर आएगा, जो अभी 2-4 महीने में हाल फिलहाल में एग्जाम होगा, ठीक है। बिकॉज इंपॉर्टेंट बजट, हमारे यूनियन बजट इस बार हमारे सामने पहली बार बजट में कुछ चीजें बिल्कुल अलग देखने को मिली हैं, इसीलिए प्रश्न वहां से बनेगा, 100% बनेगा, और 100% प्रश्न बनेगा इन 100 क्वेश्चन में से बनेगा, और आप 100 क्वेश्चन आप लगभग लगभग एक दिन में पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से याद भी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम फिर से मिलेंगे आप लोगों को 10 से 11 के बीच, ठीक है। और हाँ फ्रेंड्स, जिन लोगों ने, भाई देखिए, हाँ बिल्कुल क्लास में मिलेंगे, ठीक है। हाँ अब आप लोगों को मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ, ठीक है। हाँ बताइए, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, निसार चौधरी का मात्र एक क्वेश्चन गलत गया है, थैंक यू, बहुत बढ़िया निसार, अपनी प्रैक्टिस को बिल्कुल भी कम नहीं करना है। निसार आप अनअकैडमी पर मुझे सर्च कर सकते हैं, जो लोग नए हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रीति कुमारी नाम से, PRITIKUMARI, वहां पर आप लोगों से एक कोड मांगता है, तो वो कोड आप लोग यहाँ पर देखिए दे देंगे, ये कोड मांगेगा PRITI 123 123, ठीक है। और निसार जी, मुझसे डायरेक्टली जुड़ने के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7668-01-1273, ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर आप लोगों को सारी PDF मिल जाएंगी, ठीक है निसार जी। और दूसरी बात, अगर आप यहाँ पे भी रुक जाएंगे तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पर भी आपको सारी PDF मिल जाएंगी। टेलीग्राम का नाम है यहाँ पर PRITIKUMARI 123, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिन लोगों ने नहीं करा निसार जी, अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर करिएगा, ताकि वो उन लोगों को भी इसका प्रॉफिट मिले, ठीक है। तो चलिए आज के लिए अरमान जी हम इतना ही रखते, हर टेस्ट में मैम बजट का क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल हर टेस्ट में नहीं, हर एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आएगा भाई, आप लोग एक बात समझिए, क्यों नहीं आएगा। बजट है, यूनियन बजट है हमारे सबकी, हम सब टैक्स भरते हैं, हम सब पैसा देते हैं गवर्नमेंट को, हर एक चीज का पैसा जाता है। अगर आप पेन खरीदते हो, इस पेन का भी हम पहले गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, उस टैक्स से हम सब के जितने भी लोग हैं, आप लोग पता है, आप लोग अगर पानी भी पीते हो ना, बोतल पानी, पानी की बोतल भी लेते हो, उसमें भी टैक्स जाता है, ठीक है। तो अब हमें उस पैसा देने के बाद हमें इंक्वायरी का हक है ना, बिल्कुल इंक्वायरी का हक है, और उस इंक्वायरी का हक हम कैसे करेंगे, हमें बजट दिया जाता है कि पिछली बार इतना खर्च हुआ, इतना पैसा वहां से आया, और इस बार इतना खर्च होगा, इतना पैसा हम वहां से लेंगे, तो हमें वो चीजें पता है कि नहीं पता है, तो हमसे भी एग्जामिनर पूछेगा कि नहीं पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा। तो लॉजिक क्वेश्चन अलग होते हैं, लॉजिक क्वेश्चन, थोड़ा लॉजिक आप भी लगाया करो, तभी तो चीजें आर पार होंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, ठीक है ठीक है, चलिए निसार जी फिर मिलते हैं 9-10 से 11, ठीक है, ओके। सॉरी मैम, आज और कल जिंदगानी मैम 10 PM चाहे तुझको चाहूंगी हरदम, मेरे महबूब कयामत होगी आज। यार क्या हो रहा है,
Thank you.